घंटी है भाई, कैमरामैन जी इधर दिखाइए जूम करके, ये मंदिर में बजाने के बाद उन हिंदुओं के लिए है जो सो गए हैं। इस रैली के बाद जाके सोना मत, तैयार रहो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, अपने बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी के लिए, अपनी गली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए। मगर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये जाट गुजर ठाकुर क्षत्रिय बनिया पंडित ये सब बाद में करो। मैडम नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, रात दिन आप देखिएगा तो एक ही चीजें चल रही है, नुपुर शर्मा नुपुर शर्मा नुपुर शर्मा नुपुर शर्मा। अरे उसने गलती मान तो ली है भाई साहब, गलती मानने के बाद नरेंद्र मोदी ने उसको पार्टी से भी निकाल दिया है। मगर वो जो लीना आके रोज देवी देवताओं के बारे में अपमानित कर रही है सस्ती टीआरपी के लिए, और वो अब कल रो रही थी वो। देखिए हम सनातनी हैं, हम झंडा लेके खड़े, माता और बहनों की इज्जत करते हैं। एक खुद माता और बहन होने के बाद वो देवी माता को मैं क्या बोलूं, मैं कैमरा फोड़ दूंगा, वो इतना बुरा बोल रही है, आप मेरे पे मुकदमा करोगे। यहाँ पे क्या बोल रही है वो देवी माता के लिए, भगवान शिव जी के लिए, भगवान पार्वती के लिए, और कल रो रही है। जब नुपुर शर्मा को धमकियां आ रही थी, अभद्र भाषा बोली जा रही थी कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, 26 इस्लामिक कंट्री 56 एक हो गई, तो कल रो रही है मोदी जी मुझे बचा लो, मोदी जी मुझे बचा लो, मुझे धमकी आ रही है। हैं अब उसको नहीं दिख रहा जब नुपुर शर्मा के साथ हुआ। अरे तुम महिला हो, दूसरी महिला की भी इज्जत समझो। काली माता का विकराल रूप जिस दिन धारण होगा ना, ये नीली छतरी का इंसाफ महाराष्ट्र में पाल घर के साधुओं को, जो उनकी आत्मा है, उन्होंने उधर सरकार गिरा दी। वो सोनिया सरकार थी, वो शिवसेना नहीं थी, क्योंकि झंडे में इतनी ताकत है कि अगर तुमने झूठ बोल के वोट लिया इन सनातनियों से, ये सच्चे हैं, ये शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं। मगर अब की बारी मैं आपको बता दूं, ये दो जिहादियों को जिस टाइम पे फांसी होगी, मैं नरेंद्र मोदी और योगी जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाल किले में 15 अगस्त वाले दिन इनको टांगा जाए, इनकी वीडियो बनाया जाए, खौफ पैदा करा जाए, जब इनकी आंखें बाहर आ जाए, इनकी जीभ इनकी जीभ जब इनकी जीभ बाहर आएगी, जब इनकी आंखें फड़फड़ाएगी, वो वीडियो जूम करके दिखाओ। और अगर मानव अधिकार संगठन वाले आके कहते हैं तो कहना तुम कहां मर गए थे उदयपुर में जब कन्हैया कुमार को काटा जा रहा था। और दूसरी बात बताऊं आपको क्लियर, 3 महीने के अंदर, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, 2 से 3 महीने के अंदर काली माता की जब इसको बद्दुआ लगेगी लीना को, तो ये पुष्पा बनकर टेढ़ी होकर घूमेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। क्योंकि इसका हाल परशुराम और काली माता, अरे काली का तो नाम ही ऐसा है, ये ममता बनर्जी सस्ती टीआरपी वाली ये वोट ले रही है, खूब बोलो अशी खूब खेला हो वो, ये कहां मर गई। और ये बिजली पानी माफ दिल्ली दारू पी के साथ, ये केजरीवाल कहां मर गया, जो गुरु का सगा नहीं, जो बच्चों की झूठी कसम खाता है, ये हमारी नस्ल खराब कर रहा है दारू पिला पिला के। और मैं उन माता और बहनों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, भाई साहब रुक जाओ, भाई साहब अगर कोई गलती से आपकी गली में कोई भी विका व्यक्ति आ गया आपकी बारी हिंदुओं को हाथ लगाने, तो उनको रोकना मत। अगर अब की बारी आप लोगों ने रोका ना, कैसे रोकती है मालूम है भाई साहब, कॉमेडी का विषय नहीं है, रहने दो ना बाजी आईली आगे, रहने दो। अगर आज रहने दोगे ना मैडम, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत बुरा होगा। और ये मोदी और योगी हमें बचाने नहीं आएंगे, हमारे अंदर जिगरा पैदा होगा तभी हम बचेंगे।